नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 सितंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। डीजीपी का पदभार संभालते ही सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे आलोक राज, 600 का दिया मूल मंत्र। बीपीएससी ने 70वीं के प्रारंभिक परीक्षा का जारी किया नोटिस। उर्वरक संबंधी शिकायत करने पर किसान भाई इस नंबर पर कर सकते हैं कॉल। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भी आधार सीडिंग हुआ अनिवार्य। जाने रेलवे में क्या है जर्नी ब्रेक की सुविधा, सफर में कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। भारतीय टीम की ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने इस दिग्गज खिलाड़ियों को लेकर दिया बड़ा बयान। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने निकाली भर्ती, 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने कांस्टेबल, ट्रांसपोर्ट कैनलमैन और हेड कांस्टेबल वेटरिनरी के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 128 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 सितंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट recruitment.itbpoffice.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास किया हो, साथ ही ITI या पैरा वेटरिनरी कोर्स या वेटरिनरी में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और पद के मुताबिक अधिकतम आयु सीमा 25 और 27 वर्ष निर्धारित की गई है। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। डीजीपी का पदभार संभालते ही सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे आलोक राज, 600 का दिया मूल मंत्र। बीते दिन सीएम नीतीश कुमार से बिहार पुलिस के नए डीजीपी आलोक राज मिलने पहुंचे। इस दौरान सीएम नीतीश ने उन्हें नए पदभार ग्रहण के लिए शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश में क्राइम कंट्रोल सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत की। साथ ही डीजीपी ने 600 का मूल मंत्र भी दिया ताकि राज्य की पुलिसिंग को बेहतर और सुदृढ़ करने में इसका इस्तेमाल किया जा सके। इस 600 में समय सार्थक, संवेदनशील, शक्ति, सत्यनिष्ठ और स्पीडी ट्रायल शामिल है। आपको बता दें कि डीजीपी का पदभार संभालते ही आलोक राज एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कई पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की है, साथ ही इस दौरान उन्होंने पुलिस को कई जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। बीपीएससी ने 70वीं की प्रारंभिक परीक्षा का जारी किया नोटिस। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 17 नवंबर को होने वाला है। आयोग ने परीक्षा को लेकर नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि कैलेंडर में परीक्षा का आयोजन 30 सितंबर को होना था, लेकिन आयोग ने जो तिथि जारी की है वो 17 नवंबर है। इस संबंध में आयोग ने कहा है कि इस परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, फिर आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। शायद उम्मीदवारों को आवेदन के लिए 1 महीने से भी कम का समय मिले। आवेदन के बाद एडमिट कार्ड जारी होगा, फिर परीक्षा आयोजित की जाएगी। बिहारी बातरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे कृष्णकांत गोस्वामी के बारे में। ये भारतीय टेलीविजन और फिल्म अभिनेता हैं जो हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली और भोजपुरी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1973 में बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। इनके द्वारा कई प्रसिद्ध फिल्में और धारावाहिक की गई हैं, जिनमें भूत अंकल, हम लेंगे मेक इन इंडिया का संकल्प जैसे फिल्में शामिल हैं। वहीं टीवी धारावाहिकों में शक्तिमान, जूनियर जी, साकला का बुम बुम, विकराल और गबराली व घुटुरगु जैसी कई प्रसिद्ध धारावाहिकें शामिल हैं। इन्होंने अपने सराहनीय एक्टिंग में से कई पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं, जिसमें स्टार परिवार अवार्ड, जी रिश्ते अवार्ड और भी कई पुरस्कार शामिल हैं। उर्वरक संबंधी शिकायत करने पर किसान भाई इस नंबर पर कर सकते हैं कॉल। उर्वरक संबंधी किसी भी तरह की समस्या होने पर प्रदेश के किसानों के लिए नंबर जारी किया गया है। इससे संबंधित किसी भी तरह की समस्या या शिकायत होने पर किसान 0612-22-33-5555 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक है। कॉल के अलावे fertilizer.bihar@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि उचित मूल्य पर ही उर्वरक खरीदे। उर्वरक में यूरिया 45 किलो का मूल्य 266.50 रुपए है, वहीं DAP 50 किलो का बोरा का मूल्य 1350 रुपए है। उर्वरक खरीद के बाद बिक्री की रसीद भी जरूर प्राप्त करें। जाने रेलवे में क्या है जर्नी ब्रेक की सुविधा, सफर में कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कई बार ट्रेन से यात्रा के दौरान जब सफर हजारों किलोमीटर का हो तो 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। ऐसे में भारतीय रेलवे लंबी यात्राओं के लिए यात्रियों को ब्रेक जर्नी की सुविधा देती है। यदि आपकी यात्रा 500 किलोमीटर से अधिक की है तो आप एक बार 2 दिनों का ब्रेक ले सकते हैं।
2000 किलोमीटर व उससे अधिक का यात्रा करने पर आप दो बार ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक जर्नी का लाभ उठाने के लिए यात्रा के दौरान किसी भी बीच के स्टेशन पर उतरकर टिकट को स्टेशन मास्टर या टिकट कलेक्टर को दिखाकर और ब्रेक की स्वीकृति प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। ब्रेक के बाद यात्रा फिर से शुरू की जा सकती है। ध्यान दें कि ये सुविधा केवल कुछ विशेष ट्रेनों में ही उपलब्ध है। राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस में ये सुविधा नहीं मिलती। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भी आधार सीडिंग हुआ अनिवार्य। प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बच्चों का आधार सीडिंग अनिवार्य कर दिया गया है। अब इसी तर्ज पर शिक्षा विभाग ने 40,000 निजी स्कूलों के बच्चों के आधार सीडिंग को करने का फैसला किया है। प्रदेश में निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 32,76,773 के करीब में है, लेकिन इनमें से अभी तक केवल 1% बच्चों का ही आधार सीडिंग हो पाया है। लेकिन शिक्षा विभाग ने अब सभी बच्चों के आधार सीडिंग को अनिवार्य किया है, जिससे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भी डेटा शिक्षा विभाग को मिल सकेगा। आगे ये डेटा शिक्षा विभाग केंद्र सरकार को भेजेगी। इस दिन होगा बिहार खेल सम्मान समारोह का आयोजन। 5 सितंबर को बिहार खेल सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन पटना के ज्ञान भवन में होने वाला है, जिसमें 615 खिलाड़ियों, 22 कोच, 6 खेल संघ और 4 खेल प्रशासकों को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल में ही राष्ट्रीय खेल के अवसर पर राजगीर में बने नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 29 अगस्त को खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था। इस साल पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक साल में खिलाड़ियों के लिए 2 बार खेल सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है। इससे बिहार के खिलाड़ियों को भी काफी प्रोत्साहन मिलेगा। पितृपक्ष के अवसर पर मध्य प्रदेश से गया के लिए चलेंगी पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनें। मध्य प्रदेश के रानी कमलापति और जबलपुर स्टेशन से बिहार के गया के लिए रेलवे ने पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इस संबंध में पश्चिमी मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल की तरफ से जानकारी मिली है कि रेल प्रशासन ने श्राद्ध पक्ष के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, ताकि अधिक यात्रियों के यातायात दबाव को कम किया जा सके। साथ ही रानी कमलापति गया, रानी कमलापति और जबलपुर गया, जबलपुर के बीच पितृपक्ष स्पेशल ट्रेनों के 14 फेरे लगाए जाएंगे, जिसमें गाड़ी संख्या 01667 रानी कमलापति गया पितृपक्ष स्पेशल ट्रेन 16 सितंबर, 21 सितंबर, 26 सितंबर और 1 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे रानी कमलापति से चलेगी और अगले दिन सुबह 8:20 पर पहुंच जाएगी। अन्य ट्रेनों की जानकारी के लिए आप रेलवे की अधिक आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। मथुरा के बाद अब बिहार में बन रहा देश का सबसे बड़ा बकरा सीमेन बैंक। बिहार में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत देश का सबसे बड़ा बकरा सीमेन बैंक तैयार किया जा रहा है, ताकि उन्नत बकरी पालन का विकास किया जा सके। अभी देश के मथुरा में बकरा सीमेन बैंक है और इसे बिहार में भी बनाने की योजना है। 1.55 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय बकरी प्रक्षेत्र परिसर RCR के तहत के सामने होगा। इसके निर्माण के बाद ये बिहार, झारखंड और बंगाल का पहला सीमेन बैंक बन जाएगा, जिसके बाद विकसित और अधिक प्रजनन में सक्षम ब्लैक बंगाल नस्ल के बकरे के सीमेन को पूर्वी भारत के राज्यों के वातावरण के मुताबिक संरक्षित किया जा सकेगा। इस सीमेन बैंक को उम्मीद है कि दिसंबर तक चालू कर दिया जाए। SBI ने लॉन्च किया नए डिजाइन का फास्टैग। फास्टैग के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया डिजाइन लॉन्च किया गया है। SBI ने इसे यात्रियों के यात्रा के समय को कम करने के उद्देश्य से तैयार किया है। दरअसल SBI ने ET वेल्थ ऑनलाइन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि नया फास्टैग डिजाइन वाहन श्रेणी 4 यानी 4 जीप, वैन आदि के लिए है, जो टोल प्लाजा ऑपरेटरों को गलत जारी किए गए टैग की आसानी से पहचान कर सकेगी। आपको बता दें कि फिलहाल हाई कैटेगरी के वाहनों जैसे ट्रक आदि के लिए VC4 टैग लगाए जाते हैं। इससे टोल प्लाजा के आय में कमी आती है, लेकिन नए डिजाइन के फास्टैग को 30 अगस्त से उपलब्ध करवा दिया गया है। अदालती आदेश का अनुपालन नहीं करने पर पटना HC ने सरकारी अधिकारियों को लगाई फटकार। अदालती आदेश का अनुपालन नहीं करने पर पटना हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों की आलोचना करते हुए उन्हें फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि कई मामलों की अवमानना याचिका दायर किए बिना कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो पा रहा है। हमने कई मामलों में देखा है कि अवमानना याचिका के बिना इस अदालत के आदेशों को लागू नहीं किया जा रहा है। विचाराधीन मामले में 1 आरा मील से संबंधित याचिका शामिल था, जिसमें दी गई समय सीमा के करीब 2 साल बाद भी अदालत के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया।
बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे सारण के बारे में। ये बिहार का एक जिला है। इस जिले में पर्यटन के कई स्थान हैं, जिसमें अधिकतम धार्मिक पर्यटन स्थल शामिल हैं। यदि आप कभी सारण जाते हैं तो यहाँ आमी मंदिर, सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर, ढोड़ आश्रम, गौतम आश्रम, सिलौरी और चिरांद जा सकते हैं। चिरांद हमारे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जहां से खुदाई में पाषाण युग की कई चीजें मिली थी जो सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती हैं। डेहरी ऑन सोन में जलापूर्ति योजना का हुआ शिलान्यास, इन जिलों का को होगा फायदा। रोहतास के डेहरी ऑन सोन में 1347.32 करोड़ रुपए की लागत से जलापूर्ति योजना का निर्माण होने वाला है। इस जलापूर्ति योजना का शिलान्यास बीते दिन सीएम नीतीश कुमार करने पहुंचे। योजना का शिलान्यास पुराने सोन नहर के एनीकट बैराज के पास किया गया है, जहां 1872 में बने एनीकट बैराज की मरम्मत होगी, फिर वहां पानी का भंडारण किया जाएगा। इसके अलावा यहां बस्तीपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाएगा, जिससे सोन के सतही जल का उपयोग कर पाइपलाइन के जरिए डेहरी, औरंगाबाद और सासाराम में पेयजल की आपूर्ति आसानी से हो सकेगी। आ रहा है ये नया फीचर, जिससे सेफ रहेगा आपका व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है, जो iOS यूजर्स के लिए पिन के साथ यूजर नेम विथ पिन पेस्ट करेगा। ये फीचर आपकी प्राइवेसी को बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि इससे आप अपने मोबाइल नंबर को छिपाते हुए चैट कर पाएंगे। इस फीचर के तहत केवल वही लोग आपसे संपर्क कर पाएंगे जिनके पास आपका सही पिन होगा। ये नया फीचर iOS बीटा 24.18.10.70 वर्जन में देखा गया है और अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। यदि आप इस फीचर का उपयोग नहीं करेंगे तो आपका यूजर नेम अन्य लोगों के लिए खुला रहेगा, लेकिन पिन वालों के उपयोगकर्ताओं से संपर्क सीमित रहेगा। दिल्ली मेट्रो करेगी बिहार में विरासत सुरंग का निर्माण। बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को भूमिगत मार्गों से जोड़ने के लिए विरासत सुरंग की खुदाई का काम चल रहा है। त्योहारों के बाद इस सुरंग के निर्माण में तेजी देखने को मिलेगी। टनल बोरिंग मशीन को 1.5 से 2 महीने में बिहार म्यूजियम के छोर पर उतारा जाएगा, फिर नवंबर से सुरंग की खुदाई शुरू होने की उम्मीद है। इस टनल निर्माण की जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दी गई है। इस प्रोजेक्ट को आने वाले 2 से 2.5 साल में LNT के जरिए पूरा किया जाएगा। प्रदेश के इन जिलों में आज मौसम रहेगा शुष्क। सितंबर के महीने में बिहार के कई जिलों में सामान्य से कम बारिश की संभावना जताई जा रही है। आज बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि अन्य कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आज उत्तर भाग में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन या वज्रपात होने की संभावना है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान कुछ जगहों पर 32 से 34 डिग्री और कुछ जगहों पर 34 से 36 डिग्री रहने की उम्मीद है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है। बिहार में शराब जब्ती के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। बिहार में एक बार फिर से अवैध शराब का मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस ने औरंगाबाद जिले में 22 चक्का ट्रक पर लदे शराब के एक बड़े खेप को बरामद किया है। ये मामला अंबा थाना क्षेत्र के मछली मार्केट का है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की है। कार्रवाई में पुलिस ने 480 कार्टन शराब जब्त किए हैं, जिसमें 10,428 बोतल इंपीरियल ब्लू के अंग्रेजी शराब की थी। इस मामले में 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। रेल मंत्री ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की साझा की झलक। हमारे देश में कई आधुनिक ट्रेनें लॉन्च हो रही हैं। वंदे भारत ट्रेन के लॉन्चिंग के बाद भारतीय रेलवे को एक नई रफ्तार मिली है। अब इसी कड़ी में देश में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भी आगाज होने वाला है। इस ट्रेन को लेकर काफी चर्चा हो रही थी, अब इसकी एक झलक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी साझा की है। दरअसल जब रेल मंत्री भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML की फैक्ट्री में ट्रेन का निरीक्षण करने गए थे, तब उन्होंने हाल ही में तैयार हुई ट्रेन की झलक दिखाई। कहा जा रहा है कि आने वाले 2 महीने में ट्रेन के टेस्टिंग के बाद 3रे महीने में से यात्रियों की सेवा के लिए शुरू कर दिया जाएगा। केसी त्यागी ने जदयू से अपने इस्तीफे की बताई वजह। अभी हाल में जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से केसी त्यागी ने इस्तीफा दिया था। इसकी वजह निजी कारण बताया जा रहा था, लेकिन अब केसी त्यागी ने खुद अपने इस्तीफा देने की वजह बताई है। उन्होंने कहा है कि उनकी उम्र 75 वर्ष हो गई है। लगातार टीवी चैनलों और प्रेस के बीच रहते उम्र बाधक बन रही है, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद छोड़ दिया। अपने इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा है कि वो नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे, नीतीश समाजवादी हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वे जदयू में सलाहकार के तौर पर बने रहेंगे। नीतीश कुमार को जब भी मेरी जरूरत होगी वे मुझे बुला सकते हैं, उनके प्रति सम्मान रहा है और रहेगा।
सिंगापुर से हेल्थ चेकअप के बाद पटना लौटे लालू यादव, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अब सिंगापुर से पटना आ चुके हैं। आपको बता दें कि सिंगापुर लालू यादव अपने हेल्थ चेकअप के लिए गए थे। लालू यादव के साथ राबड़ी देवी और उनकी बेटी मिसा भारती भी सिंगापुर से पटना आई है। राजद कार्यकर्ताओं ने पटना एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद यादव का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि 5 दिसंबर वर्ष 2022 में लालू प्रसाद यादव ने अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवाई थी। उनकी बेटी ने किडनी डोनेट किया था। फिलहाल लालू यादव को डॉक्टरों ने रूटीन चेकअप की सलाह दी है। प्रशांत किशोर के ऐलान के बाद बीजेपी ने साधा निशाना। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समाज के लिए बड़ा ऐलान किया था, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि जन सुराज कम से कम 40 मुसलमानों को विधानसभा में टिकट देगी, साथ ही इनकी हिस्सेदारी केवल सरकार में ही नहीं बल्कि संगठन में भी होगी। प्रशांत किशोर के ऐलान के बाद बीजेपी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि तरीका वही है, बस चेहरा बदला है। तुष्टिकरण की राजनीति से हिंदुओं के प्रतिनिधित्व को घटाने के लिए राजद की टीम बी के रणनीति से बिहार सचेत रहे। भारतीय टीम के ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने इस दिग्गज खिलाड़ियों को लेकर दिया बड़ा बयान। भारतीय टीम के ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने एक इंटरव्यू के दौरान कई दिग्गज खिलाड़ियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोहली धोनी से रोहित शर्मा बिल्कुल अलग है। उन्होंने बताया कि अगर कोई बड़ा मैच या सीरीज आ रहा है तो रोहित एनालिटिक्स टीम और कोच के साथ बैठकर उसकी तैयारी करते हैं, जैसे किसी विशेष बल्लेबाज की कमजोरी क्या है, किसी गेंदबाजी की योजना क्या है, यही उनकी ताकत है। लेकिन ये हमेशा टीम का माहौल हल्का रखते हैं और खिलाड़ियों का समर्थन करते रहते हैं। अगर वो किसी खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में चयन करते हैं तो उन्हें 100% समर्थन भी करते हैं। मैंने अपने करियर के ज़्यादा समय इन तीन कप्तानों के साथ खेला है। कई कानों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1998 में नेल्सन मंडेला द्वारा गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कड़ी आपत्ति जताई थी। आज के दिन वर्ष 2006 में भारतीय मूल के भरत जगदेव ने गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। आज के ही दिन वर्ष 1905 में कमलापति त्रिपाठी का जन्म हुआ था। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ, लेखक, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थी। आज के दिन सुप्रसिद्ध तबला वादक किशन महाराज का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1992 में भारत की प्रसिद्ध महिला पहलवान साक्षी मलिक का जन्म हुआ था। पीएम मोदी का शेख हसीना के साथ वायरल हो रहा है ये वीडियो। एक यूट्यूब चैनल न्यूज को 24 में छेड़छाड़ करके एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को पीएम मोदी के साथ देखा जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि इस वीडियो में कोई सच्चाई नहीं है। ये वीडियो पूरी तरह से फर्जी है जिसमें छेड़छाड़ किया गया है। शेख हसीना की वीडियो को अगस्त 2024 में जलगांव में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन के पीएम मोदी के मूल वीडियो का लगाया गया है। इस फर्जी खबर को पीआईबी फैक्ट चेक ने भी शेयर किया है, जहां ऐसे वीडियो से सतर्क रहने की अपील की गई है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसको जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में गोल्डमैन सैचस ने 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? ऑप्शन है 6.5%, ऑप्शन बी है 6.9%, ऑप्शन सी है 6.7%, ऑप्शन डी है 6.6%। इसका सही उत्तर है 6.7%। हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है कांस्य, ऑप्शन बी है स्वर्ण, ऑप्शन सी है रजत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है रजत। हाल ही में किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है JP नड्डा, ऑप्शन बी है पीयूष गोयल, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी है अरविंद केजरीवाल। इसका सही उत्तर है JP नड्डा। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन पटना में कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1906 में, ऑप्शन बी 1908 में, ऑप्शन सी 1916 में, ऑप्शन डी है 1918 में। इसका सही उत्तर है 1908 में। बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है धर्मपाल, ऑप्शन बी है गोपाल, ऑप्शन सी है देवपाल, ऑप्शन डी है महिपाल प्रथम। इसका सही उत्तर है गोपाल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था, जिन्होंने द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है रामनवमी, मांझी, राकेश मिश्रा, विनय कुमार, रोशन कुमार, विनय कुमार, उमेश ऋषिदेव, ऋषुराज, राधे श्याम मुखिया, अर्जुन राम, सुमन कुमार मिश्रा, बलराम मंडल, संजीव कुमार, अतीक खान, मोहम्मद सलमान। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
रेलवे की कौन सी सुविधा आपको सबसे अच्छी और लाभदायक लगती है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।